हेलो, गुड आपकी मॉर्निंग। तो मैं अभी आई हूँ द बनारस क्लब में, और यहाँ पे ये सेंटा का सेलिब्रेशन है, बोले तो क्रिसमस सेलिब्रेशन है। और डाइवर्ट कर दिया सब मुझे। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है क्रिसमस का, और मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे दिहाड़ी पे, है ना। और ये ब्लेजर गीला गीला पहन के, एक्चुअली आज संडे था, मैं इसको क्लीन करने के लिए ऐसे सोख करके रखी थी, बट क्या हुआ, अचानक से काम आ गया। तो मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ डेकोरेशन। देखो, ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होने वाले हैं, बच्चों के लिए गेम है, मतलब यहाँ पे आज फुल मस्ती होने वाली है ना। यहाँ पे बैंड का सेटअप है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और गेम ये देखिए, बच्चों के लिए गेम है। इसको ये जो बॉल रखा हुआ है, इसको इसके माउथ से आपको इधर उधर करना है, इधर उधर करना मीन्स, ठीक है। और ये गेम है, ये सर्कल वाला होता है ना, कि जिस पे आप फेंकोगे वो आपका। एग्जैक्टली मुझे नेम नहीं पता, और ये क्या है मुझे भी नहीं पता, और ये तो पता ही चल गया ना। ये देखो, निशाना लगाना है, और पॉपकॉर्न खाना है तो आ जाओ, उसके बाद कॉटन कैंडी। और ये यार, एक मुझे भी चाहिए। और ये गेस्ट लोगों के लिए सारे टेबल्स और चेयर्स अरेंज किए हुए हैं, देखिए उधर दिख रहा है ना पूरा। और ये अपना बैंड, यहाँ पे बैंड पार्टी क्या ही करता है, सॉन्ग करेगा। और ये बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उधर भी है झूला, और ये अपनी बैंड पार्टी, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अंदर भी डेकोरेशन है ना, मैं अंदर भी लेके चलूंगी और आपको दिखाऊंगी। और उधर देखो, खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। ये टेबल कितना प्यारा डेकोरेट करके रखा हुआ है ना, तो यार जो बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे ये देखो, जिसको नहाना है, जो बच्चा नहा के नहीं आएगा ना ठंडी के टाइम पे, उसको नहलाना है। और यहाँ सब पे खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, क्या क्या है पता नहीं। ये तो देखो, इंग्रेडिएंट देख के मैं गेस करूँगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे पास्ता मिलने वाला है। और बाकी तो अभी सब चल रहा है, मेन प्रिपरेशन चल रही है। और ये देख के ऐसा लग रहा है ना, डोसा। यहाँ पे देखो कॉफ़ी, मॉकटेल, कितना तेज़ दिमाग है मेरा, बीवरेज लिखा हुआ है, पढ़ लिया, पढ़ने भी आता है मुझे। और ये भी होगा कुछ, यहाँ देखो स्टाफ लोग, मेरी जैसे दिहाड़ी पे लोग। ये देखो, और भी ब्यूटीफुल चेयर इधर पे है। ये दूसरी दूसरी बुकिंग है कि सेम बुकिंग है, मुझे नहीं पता। ये देखो, ये देखो किड जोन है। मैं पता है यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। यहाँ पे देखो दो अपर डेस्क, अच्छा ये रेस्टोरेंट है, और ये किड जोन है, यहाँ पे ओनली प्ले होते हैं। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स, और अंदर चलते हैं, हम लोग आए थे इसी साइड से, ये उधर का साइड है। सेम डेकोरेशन मीन सिमिलर है। मैं इतनी बेवकूफ हूँ ना भाई साहब, कि उल्टा उल्टा बना रही हूँ। मतलब मैं एंट्री इधर से लेनी चाहिए थी, एंट्री इधर से लेनी चाहिए थी, फिर मुझे आपको दिखाना चाहिए था, बट मैं बेवकूफ हूँ थोड़ी सी। अरे नहीं, ये नहीं, इतना सच नहीं बोलना था। देखो
ये इधर से एंट्री था, ये देखो द बनारस क्लब। और यहाँ पे मतलब मस्त जगह है, क्या बोलते हैं इसको यार, फाउंटेन, इधर से इधर ब्यूटीफुल सा फाउंटेन, इतना प्यारा लग रहा है। तो एंट्री देखो इधर से था, मैरी क्रिसमस। मैंने आप लोग को उल्टा घुमा दिया, इस साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं उधर मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि उधर अपना एरिया नहीं है। और इधर देखो इधर भी एक फाउंटेन है बट ये ऑन नहीं है। तो इधर से ही एंट्री थी बट मैं अंदर थी, अंदर ही रेडी होके अंदर ही मेरा वर्क शुरू हो गया था। वर्क के पहले थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं है ना, अरे ये अल्पेश यादव का ये है अपना बाथरूम। मैं कहीं भी जाती हूँ पता नहीं क्यों यार, मुझे बाथरूम को ज्यादा पसंद है क्या, बहुत ज्यादा। तो यही है, बाहर बहुत सारे लोग थे और जो अपनी हेड थी उनका क्या है कि घूम रही थी मेरे इर्द गिर्द ना, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। काम के लिए आए हो तुम लोग, वीडियो बना रहे हो, ऐसा कुछ उनके माइंड में होगा, बोलेंगी तो नहीं, मेरे बोल सकती हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं ना, मुझे लगा यहाँ पे ब्लोअर जो होता है ना जिसे हैंड ये करते हैं सुखाते हैं, तो मुझे लगा वो मिलेगा तो मैं उसे अपना ब्लेजर सुखा लूँगी, बट मिला नहीं। तो मैं बहुत सारा टिश्यू यहाँ पे वेस्ट कर दी थी, कोई बात नहीं, मैडम मुझे खा सकती थी आपको, बट कैमरा कौन पकड़ेगा। तो ये देखो कितना सुंदर सा बाथरूम है, ये देखो बड़ा सा मिरर, ये है मेरा गेटअप, फॉर्मल वाला गेटअप। आज सारा काम जुगाड़ हुआ, शर्ट मेरे भाई का मेहमान के लेके आई और ब्लेजर तो मेरा ये था, बट इसको गीला ही पहनना पड़ा, इसका जुगाड़ अदर जुगाड़ था ही नहीं, किसी के पास इतना ब्यूटीफुल ब्लेजर मिलेगा ही नहीं तो मैं मांगती कहाँ से, है ना। और ये हाफ स्लीव है। तो चलते हैं बाहर, चलते हैं, पता नहीं ठीक है ओके तो अभी चलते हैं बाहर ना, और बाहर जो भी एक्टिविटी होगी मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। आई हूँ तो निपटा लूँ कुछ। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें थी, उसमें एक ये भी था, साइबेरियन भालू है मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में जोर डाली तो मुझे ऐसा ही लगा, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी आप समझ जाना क्या है, ये बड़ा ही क्यूट लग रहा था मुझे। और मैं अपने काउंटर पे बैठ के इसे देख रही थी, बट मन कर रहा था जाके इसे झप्पी कर लूँ, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं क्योंकि मुझे मेरा काउंटर पकड़ के बैठना था। और मैं यहाँ पे चुरा चुरा के कुछ ढोसते हुए कुछ क्या बिस्किट, यार ये लोग 12 बजे बुला के बैठा दिए मुझे, बट 1 बजे पानी तक नहीं पूछा ये लोग, यार ऐसे कैसे काम कराते किसी से। तो ठीक है, तो दिहाड़ी मजदूर ऐसे ही काम करता है एक। तो ठीक है, तो खाओ खाओ चुरा चुरा के खाओ, ऐसे ही खाते रहो क्योंकि आप यहाँ पे प्रोफेशनल बन के आए हैं तो किसी के सामने मुंह नहीं चला सकते बगड़ी जैसा, बट मेरा मुंह तो चलेगा क्योंकि सुबह से मैं कुछ खा के नहीं आई थी और इन्होंने कुछ ऑफर भी नहीं किया था कि ठीक है आप 15 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो। तो आपको 6:30 बजे जाना था, 12 से 6:30 बजे तक का ड्यूटी था अपना, तो कुछ तो खाना था ना यार। तो मैं क्या कर रही थी, चॉकलेट खा के पानी पियो, बिस्किट खा के पानी पियो, और उसके बाद भी देखो स्माइल देख लो मेरे चेहरे की। इतना होने के बाद भी, इतना टॉर्चर होने के बाद भी स्माइल कोई कैसे बोल सकता है, वाह मेरे जैसा आदमी नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखते देखते ना मुझे लगा ठीक है बहुत हो गया, तो मैं बन गई थोड़ी सी बेशरम, अभी लग रहा है कि जाने देते हैं, चपड़ चपड़ करो जो सोचो करना होगा करेगा। और एक बार डर भी लग रहा था कि नहीं अच्छी बात नहीं है, कोई देखेगा तो क्या ही बोलेगा, ठीक है अभी पानी पी लो पेट भर जाएंगे शायद। तो यही किया ऑल द टाइम, मीन्स जब भी भूख लगे तो, ये बिस्किट भी पता नहीं कौन सा सड़ा था भाई, नहीं अच्छा लगा खाने के बाद, वोमिट जैसा होने लग गया था, ठीक है पेट भरने के लिए था, अच्छा था, पानी पियो पेट भरो, एक चॉकलेट खाओ पानी पियो पेट भरो। तो यही है ड्यूटी मेरी, यही थी कुछ।
जान निकाल दिया सारे लोग, जान निकालने के बाद भी देखो कॉन्फिडेंस देखो, स्माइल देखो बस ये नहीं कम होना चाहिए। अभी थोड़ा सा भूख बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा और ठूस लेना चाहिए, थोड़ा सा और ठूस लो। हाँ अभी देखो शर्म ना खत्म, बस हो गया, जिसको जो करना है कर लो भाई। अभी भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा ना यार, प्रोफेशनल आदमी को भूख नहीं लगती क्या? फॉर्मल पहना के बैठा दियो तो मतलब कुछ भी तो ऐसे ही दिन कटने हैं। अभी तो आफ्टरनून का ही टाइम हो रहा था, आफ्टर में आई मीन आफ्टरनून का टाइम ही है ये, इवनिंग में छूटेंगे हम लोग 7 बजे तक, 6:30 तो इन्होंने बोला था, एक्चुअली 6 बोला था बट 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो। चलो ठीक है, खाते खाते मैं भी बोर हो गई, आई थिंक देखते देखते आप भी बोर हो गए, अब बस करती हूँ खाना बंद। अभी देखो इवनिंग का टाइम हो गया और अपनी छुट्टी का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। इवनिंग का टाइम में शाम हो गया, लाइटिंग वाइटिंग हो गई, आप देख लो सारी चीज़ खुद ही चेंज सा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो लाइटिंग के बाद कितना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। वैसे तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने में गए नहीं थे, अपनी ड्यूटी पे थे बट काम ड्यूरिंग वर्क की मतलब देख देख के दूसरों को लग रहा था अच्छा, बच्चे थे बहुत सारे इन्जॉय कर रहे थे तो उनको देख के अच्छा लग रहा था। तो कुल मिला के अपना भी तो सेलिब्रेट हो ही गया, जैसे तैसे ऐसे वैसे सेलिब्रेट हो ही गया। अब ये तो पहले से लाइटिंग थी ना यहाँ पे, बट मुझे लग रही है नहीं चेंज किया गया, इसमें थोड़ा तो चेंज किया गया, ये सब बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करा पाई अपना यार, ओनली वीडियो बना रही थी खुद ही, अगर कोई होता ही तो मैं फ़ोटो ना क्लिक करवा लेती, वीडियो की बनवाती ओनली। तो ये अपना टाइम ओवर हो गया और हम लोग आ गए चेंज करने, अरे तो अभी मैं जा रही हूँ वापस, वापस बोले तो वापस घर। भाई और मैं रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ और कुत्तों का रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इधर मुझे रोना आ रहा है। चलो ठीक है आप मैनेज कर लेना, ठीक है मैं फाइनली आ गई बाहर और मुझे लोग इतना पका दिए। तो भाई यार 10% बैटरी पे, देखो मैं कहाँ हूँ, बनारस क्लब में हूँ और इधर देखो फाउंटेन लाइटिंग के बाद और भी ब्यूटीफुल सा हो गया। तो अभी ना मुझे सब परेशान करते फ़ोटो लो यार, मैं नहीं ले सकती 10% बैटरी बचाओ तो मुझे घर भी तो जाना था। तो मैं आगे सीधे पार्किंग एरिया में भागते हुए, भाई साहब भागते हुए मैं जा रही हूँ, सबको इग्नोर करते हुए पीछे से सब आवाज़ दे रहे थे बट मैं नहीं रुकी, क्यों? क्योंकि 10% घर जाना है यार, इमरजेंसी कुछ आ गया, इमरजेंसी कॉल करना होगा किसी को तो क्या ही होगा। चलो ठीक है तो मैं आगे, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ओके बाय।